स्मार्ट बनने आए हो ना द रणवीर शो क्लिप्स हिंदी पर इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्लिप्स चैनल लाइक बटन हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए अमन place. भाई आप एनिमेशन hmm. के बारे में बहुत बातें कर रहे हो आई फील कि हर इंडियन स्टूडेंट एट सम पॉइंट इन लाइफ अबाउट एनिमेशन की हाँ यार hmm. अगर इस चीज को मैं एनिमेटेड hmm. तरीके से सीख सकता तो hmm. और इजी हो जाता है मेरे लिए हर कोई इंडियन स्टूडेंट ऐसे सोचता है बट बहुत hmm. कम लोग एग्जीक्यूट hmm. कर करके एक अमन hmm. थत्तरवाल बन जाते हैं तो आई नो कि आप <laughs> आप आप बहुत hmm. आप बहुत हमली ये सब चीजें कह रहे हो कि hmm. मतलब यू you नो know, ये बस हो गया पर जो आपने किया hmm. है बहुत मुश्किल है बहुत कम लोग कर पाते हैं hmm. तो आ, आप you, उस उस चीज को हाईलाइट कर सकते हो कि देखो जो थाट्स आपके दिमाग में है, वो बहुत लोगों के दिमाग में होती है बट आपने एग्जीक्यूट कैसे किया बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते एग्जीक्यूशन तो को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो इसमें एक चीज मैंने जो ग्रेजुअली समझा कि ठीक है यार आपको एग्जीक्यूट करना है ना तो एक तो होता है कि आप खुद काम करते रहो आज के दिन सोशल मीडिया ने हमें इतनी लेवरेज दे रखी है कि आपके पास चाहे चवन्नी ना हो तब भी आप एक एंड से खुद बोल तो सकते हो एटलीस्ट पढ़ा सकते हो कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो कि हमने क्या अभी कॉलेज के लगभग फाइनल ईयर तक मैंने यही किया खुद ही हम कंटेंट क्रिएट करते थे एडिट करते थे सारी चीजें करते थे क्योंकि इतना कैपिटल नहीं होता था आप किसी को हायर कर लो और लगा लो लोको पैसा चाहिए तो शुरुआत में वही कर रहे थे पापा ने भी ये कहा था भाई खुद करते रहो कुछ एक शेयर है कि आप खुद चलते रहो कारवा आपके पीछे खुद जुड़ता जाएगा तो हमने कहा ग्रेट फिर आपने कुछ धीरे धीरे किताबें पढ़ते हो आपको कुछ ऐसे कोट्स याद देखने को मिलते हैं कि यार अगर आपको सही में चैरिटी करनी है तो पहले आपको खुद पैसे कमाने जरूरी है अगर आप गिव अवे करना चाहते हो आप तभी दे पाओगे जब आपके पास खुद कुछ है एक जलता हुआ दिया ही एक बुझे हुए दिए को जला सकता है राइट मैंने तो कहा ठीक है तो थर्ड ईयर में जब पहुंचे तो मेरे दिमाग में एक ऐसी थॉट आई यार अपन क्या क्या पढ़ा सकते है। तुमने हैं तो है। हमने कहा हम इंजीनियर हैं हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है तो अपन फिजिक्स वगैरह कुछ पढ़ा सकते हैं फिर हम वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ पढ़ा सकते हैं अब क्योंकि घर में सब आर्मी वगैरह में थे पुलिस में थे तो यूं भी था कि यार सरकारी का भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो पॉल साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती थी तो पॉल साइंस स्टार्ट कर दी थी एक वैदिक मैथ्स भी मैंने पढ़ानी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि बस अच्छी लग रही थी वो भी पर ग्रेजुअली आप रियलाइज कर जाते हो कि यार आप अकेले सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते आप कितना ही सोचो आप, आपकी एक कैपेसिटी है हंड्रेड परसेंट की उसके बाद आपको एक टीम बनानी पड़ेगी फिर आप और किताबें पढ़ते हो आपको पता चलता है कि ओके यार अमेजॉन ठीक है जेफ बेजोस का पर उनके नीचे हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं तब जाके अमेजोन अमेजॉन होती है तो आपको लोग जो जोड़ने पड़ेंगे पर दोबारा कैपिटल नहीं है तो क्या करें तो बहुत स... एक तो मैंने झूठ बहुत, बहुत बोले मम्मी पापा से कॉलेज लाइफ में काम किधर हो अगर आप इन पर्सन होते तो मैं पाउंड करता आपके साथ पर सेम तो फर्स्ट मेजर झूठ अगर मैं बोलूं तो हॉस्टल में हम शूट करते थे वो इतना अच्छा नहीं होता था मुझे अपना एक अपार्टमेंट टाइप चाहिए था स्टूडियो जिसे मैं बना सकूं अब क्या बोले घर वालों को कि भाई बेटा यूट्यूबर बनने जा रहा है या बेटे को कंटेंट बनाना है घर वाले जूते मारते मुझे <laughs> तो मैंने कहा पापा मुझे पढ़ना है यूपीएससी और मैं अपने दोस्त के साथ मिलके पढ़ूंगा और हॉस्टल में पढ़ाई हो नहीं पाती तो पापा ने शुरुआत के दो तीन दिन तो किया मना फिर धीरे धीरे करते रहे तो पापा ने कहा चलो ठीक है तो कॉलेज के जस्ट साइड में आधा एक किलोमीटर दूर हमने एक अपार्टमेंट लिया और जैसी फर्स्ट डे उसमें मूव इन किए पापा ने दो महीने का एडवांस दे दिया मैं शाम को पापा को कॉल करता अच्छा पापा जो आनंद था ना मेरा दोस्त उसने तो डिच कर दिया <laughs> hmm. और अब तो मेरे को अकेले ही रहना पड़ेगा पर <laughs> पापा ने एक दो घंटे मेरे को सुनाया बैठ के क्या तुम गंदे तुम्हारे दोस्त गंदे कोई जुबान की वैल्यू नहीं है ऐसे कौन डिच कर मन का ठीक है अब रूम तो मिली गया <laughs> फिर उसको धीरे धीरे हमने स्टूडियो बनाया फॉर्म वगैरह लगाया कॉस्टिक पहला कैमरा लिया डी और शुरुआत में माइक वाइक का इतना कुछ नहीं होता था पैसे नहीं थे ठीक <laughs> है मोबाइल वाला माइक यू मैं तो अभी भी ऑन स्टॉक में आप देखोगे यहाँ पे ऐसे मोबाइल पड़ा रहता है ये पड़े में मन ही नहीं करता ये बहुत बढ़िया चलते मोबाइल के माइक्रोफोन भी नहीं। नहीं। और इस पूरे मीन बेवकूफ बहुत बने एक तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब बीकानेर में ही हम गए थे एक सिक्कर में भी सेम चीज हुई थी डेली के अंदर भी हमने लोगों के साथ ये स्टूडियो वगैरह बनाए उनमें से काफी बोलते थे अमन यार तुम है ना हमारे साथ जुड़ जाओ ठीक है तुम्हारे पास तुम ऐसा है तुम बच्चों को बताते हो हम भी तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ाएंगे हमें बच्चे जान जाएंगे फिर हम कुछ सेल कर सकें कोर्सेज बना सकें मैं थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ ईयर का बच्चा ही बोलेंगे उसे मैं तो मानना है अठारह साल की उम्र का बच्चा होता है उसकी उम्र है जीरो उन्नीस वाले की एक बीस वाले की दो क्योंकि आप देखना ही अठारह के बाद स्टार्ट करते हो तो मैं पांच साल का बच्चा हूँ hmm. दो एक चीज रियलाइज हुई कि एक 35 साल का व्यक्ति कभी भी एक 20 साल वाले की बात नहीं सुनेगा hmm. ये फैक्ट है hmm. आप वो जाएंगे वो आपसे सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो भी मुझे पता होता था वो सारी जान लेते थे पर एक पॉइंट के बाद यूं होता था कि फोन नहीं उठा रहे हैं hmm. ठीक है ये भी मजेदार है ठीक है हमारा कैपिटल आ जाता था, था थोड़ा बहुत वो चीज जरूरी थी फिर बस हमने फाइनल ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पहुंचे मेरे पास काफी जगह से ऑफर थे क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे थे मेरे पास यहाँ पे आ जाओ वहां पे आ जाओ यहाँ पे आ जाओ तो मैं थर्ड ईयर मैं क नहीं जा रहे अपने पास कॉलेज वॉलेज है अभी अपना अपना ही काम करेंगे मेरे को खुद चैनल पे काम करना है बिल्कुल नहीं मेरे को स्टूडियो बनाने वहां से पैसे आ रहे हैं थर्ड ईयर के अंदर हमारी इंटर्नशिप थी सबसे पहले तो वो ड्रॉप करी थी फिर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट ड्रॉप की थी मेरे कॉलेज की एवरेज पैकेज सत्रह अठारह लाख थी पहले कंपनी माइक्रोसॉफ्ट चालीस लाख के साथ आई थी तो जब आप प्लेसमेंट छोड़ते हो तब आपके ऐसे यू लगता है यार मेरी क्लास का दोस्त लेके जा रहा है कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे तो आ, फिर आप भागते हो थोड़ा सा कि यार ठीक है अब इस पूरे बीच में, बीच में में पापा से सारी वो स्ट्रगल भी हुए है। जैसे तीन चीजें थी मैंने सबसे पहले तो पापा से कहा कि प्लेसमेंट मैं छोड़ूंगा पापा मान गए फिर मैंने कहा पापा यूपीएससी भी छोड़नी पड़ेगी मुझे दो साल के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर को देना चाहता हूँ वो कन्विंस करने में टाइम लगा टाइम लगता है जब भी आप पापा मम्मी को मनाओगे टाइम लगेगा पर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली थोड़ा बोल दिया फिर दोबारा बोल दिया फिर दोबारा <laughs> बोल दिया बोलते जाओ बोलते जाओ और किसी के भी पापा यार या मम्मी आपको कोई काम करने के लिए नहीं रोकेंगे उनका बस एकमात्र प्रश्न ये है क्या आप उससे कैपिटल अर्न कर सकते हो hmm. उसके बाद वो आपको नहीं रोकेंगे उन्होंने देख लिया कि यार ये या अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा इसके बाद फिर तो वही आपको पुश करेंगे आज के दिन मेरी कितनी सारी चीज होती है जो कि मेरे पेरेंट्स ही पुश यहाँ पे जैसे हम अभी बैठे हुए बिल्डिंग में हमारे 10-12 जो फैकल्टीज हैं वो ऊपर ही रहते हैं क्योंकि कोरोना है, डाउन नहीं करना चाहते जो हमारे एडिटर्स हैं वो भी ऊपर रहते हैं एनिमेटर्स हैं वो अप डाउन कर रहे होते हैं तो मम्मी ही देखती है सब कुछ मतलब क्या उनका खाना बन रहा है नहीं बन रहा टाइम पे सफाई वगैरह सब ढंग से चल रही है नहीं चल रही आ, पापा के काम होते हैं बाकी जैसे आपको पता ही है काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एक पॉइंट के बाद आपको बनाने शुरू करने पड़ते हैं तो वो सारी चीज पापा तो आज के दिन वही दोनों हेल्प कर रहे हैं एक टाइम पे जो बोलते थे अमन ऑनलाइन मत बैठ अब वो बोलते अमन तूने इतने दिन से कुछ किया नहीं ऑनलाइन तो लेकिन ये भी सही है पापा मेरे आजकल जो भी जैसे लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं या फिर कहीं पे मीटिंग करके आनी है या कोई कोई भी चीजें होती हैं तो वो सारी चीज मैं बोल देता हूँ आप देखो उनको एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है मैं तो शुरुआत में बैठ के बस सीख रहा होता हूँ और ये चीजें बहुत जरूरी है मेरे जितने भी अगर मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखूँ सारे अब ऐसे 30-35 साल की उम्र के मेरे से बड़े हैं मेजोरिटी और बड़े ही आपको सिखा रहे होंगे वो लोग जो कि आपके रास्ते पे चल के जा चुके आगे वो आपको कुछ ऐसे इनपुट दे देंगे जो कि बहुत प्रेशियस होते हैं